देखो क्वेश्चन नंबर सिक्स देखो, इसमें सबसे पहले क्या गिवन है, ट्रायंगल एबीई जो कॉनग्रेंट है ट्रायंगल एसीडी, कॉनग्रेंट का मीन्स होता है जो एंगल भी सेम होते हैं और इसकी जो साइडें होती है वो भी सेम होती है, ठीक है, प्रोपोर्शनल नहीं होती, साइडें भी सेम होती है, और ट्रायंगल एडीई सिमिलर है ट्रायंगल एबीसी के, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हमें क्या गिवन है, ट्रायंगल एबीई वो कॉनग्रेंट है ट्रायंगल एसीडी के, ठीक है। तो एबीई और कॉनग्रेंट होता है तो मैंने क्या रूल बताया था, कॉनग्रेंट होता है तो जो साइडें होती हैं वो भी क्या होती हैं, सेम होती है और एंगल भी सेम होती है। तो यहाँ पे लिख लो देन साइड्स एंड एंगल्स, साइड्स एंड एंगल्स आर सेम, ठीक है। अब आगे देखो ए बी ई, ए बी ई इस ट्रायंगल में और ए सी डी, ए सी ये यहाँ पे सी है, ए बी सी, ए सी डी इसमें, ठीक है। इन दोनों में क्या करना है, साइडों का रेशियो सेम कर लें अपन। तो इसमें देखो ए बी बड़ी साइज और इसके इक्वल क्या हो जाएगी, एस सी। देखो ए बी के इक्वल एस सी, ए बी के इक्वल हो जाएगी एस सी, ठीक है। फिर देखो ए डी इसमें हो जाएगी ए डी, ए डी के इक्वल हो जाएगी ए ई, ठीक है। ए डी के इक्वल क्या हो जाएगी ए ई, इसमें ए डी होगी और इसमें इस ट्रायंगल की छोटी साइज ए ई होगी, ठीक है। इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इनका रेशियो फाइंड कर लो, देखो इसको ऐसे लिख लो ए पी अपॉन ए डी इक्वल ए सी अपॉन में ए ई, ठीक है। इनका रेशियो फाइंड कर लिया, इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखो हमें जिसको सिमिलर प्रूफ करना है वो लिख लो, तो यहाँ पे लिखो इन ट्रायंगल कौन सा है ए डी ई एंड ट्रायंगल कौन सा है ए बी सी। एक तो ए डी ई ले लिया, एक ए बी सी ई ले लिया, तो दोनों को बना लो। देखो ए डी ई, एक तो ये छोटा वाला ट्रायंगल है ए डी ई और एक बड़ा वाला ट्रायंगल है ए बी सी, इनको ले लो, ठीक है। यहाँ पे देखो एंगल ए इक्वल एंगल ए है क्या, एंगल ए इक्वल एंगल ए क्यों है, क्योंकि भाई कॉमन एंगल है, ठीक है, दोनों क्या है कॉमन एंगल है। फिर देखो इस ट्रायंगल की ए बी साइड और इस ट्रायंगल की ए डी साइड, इनका रेशियो सेम है क्या, देखो इक्वेशन नंबर थर्ड से, और इस ट्रायंगल की ए ई साइड और इस ट्रायंगल की एस सी साइड, ए ई साइड और एस सी साइड ये भी सेम है क्या, ठीक है। बाई इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन थर्ड क्या है ए बी अपॉन में ए डी इक्वल एस सी अपॉन में ए ई, ठीक है। तो कौन सा रूल लग गया, यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ मैं, देखो एक तो एंगल हो गया, दो साइडें हो गई, तो बाई एस ए एस रूल, एस ए एस रूल से ये क्या हो गया, ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर हो गया ट्रायंगल ए बी सी, और इसको आपको नहीं लिखना है, इसको मिटा देना, ठीक है, और यही हमें